place when I was sitting at the front. Who was the youngest farmer? Youngest farmer, raise your hand. Sir, how are you? Anyone? No one? You all are fine-tuned farmer. You are well-rehearsed farmer. लेकिन मुझे राणा साहब ने बोला था कि आप मराठी में बोलेंगे. माझी मराठी सुनती. कैन यू जस्ट स्टैंड अप फॉर वन मिनट. कम हियर. यू कैन ट्रांसलेट हिंदी टू मराठी. सुनती इज डॉटर ऑफ माइन एंड शी जस्ट एंटर्ड इनटू दिस. शी जस्ट ट्राइंग टू लर्न. ये हवा जो चली सांस ले हर कोई. ये हवा जो चली सांस ले हर कोई. घर उजड़ जाए जिसका आंधी में तो ये हवा क्या करे. कैन यू ट्रांसलेट मराठी मध्ये करे. He began to her, she's a hardcore Maharashtrian from Nase. So I'm not bad. This, if I translate into English, probably you can translate into Marathi. If the rate of growth in poultry industry is like storm, many houses can be destroyed. Did you hear this? Yes. It is tough, but please hear this. If the growth of poultry industry is like a storm, many houses will be destroyed. Can you translate it, Marathi? जर पोल्ट्री इंडस्ट्रीची ही जी ग्रोथ आहे ही एका वादळासारखी झाली तर अनेक छोटी छोटी कुटुंब या वादळामध्ये नष्ट होतील असा याचा अर्थ आहे. थँक यू श्रुती. श्रुती इज हिज राईट हँड ऑफ माइंड व्हेन उद्धव साहेब सेड की आय वॉज ड्रीमिंग चिकन टू बी गिव्हन टू डायरेक्टली टू द कंज्युमर्स. सो सी इज एक्झिक्युटिंग माय ड्रीम. Giving hands to her. Okay. मेरा सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, पेनफुल है और किसी किसी को दुखदायी भी हो सकता है. तो अगर आप चाहें तो ये बात बढ़ाई जाए वरना खाने के लिए छुट्टी किया जाए. बताइए उधर से. सुना है. जोर से ताली बजाइए स्पेनिश गेस्ट के लिए. व्हिच बटन पुश. ओके. जो लोग इस पोल्ट्री बिजनेस में हैं मैं भी तो आपके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ हूं 30 साल से. और मैं जो कुछ भी आज हूं या जो कुछ भी समझ सकता हूं पोल्ट्री के बारे में वो सब सिखाने वाले आप हैं. तो इसका क्रेडिट आपको जाता है. तो अगर बाय चांस मैंने बोलने में कोई गलती की तो जिम्मेदारी आपकी है. क्योंकि हम कोई क्वालिफाइड वेटनरियन नहीं है. कुछ कभी फार्मिंग नहीं की है. ब्रीडिंग फार्म डाला नहीं है. वैक्सीन का फार्म वैक्सीन प्रोडक्शन मेरे पास है नहीं. तो मैं अगर कोई भी गलती करता हूं तो ये सब आपकी जिम्मेदारी. ठीक है यार. ये आगे पीछे क्यों है. सेंटर बटन दबाना है क्या.
सर अगर जब आप बिजनेस में आए हैं तो आपने कभी ये बिजनेस में रहते रहते अपने आप से ये सवाल पूछा है कि आपके ऑपरेशंस में पिछले 10 साल में क्या चेंजेस आए हैं? किया है किसी ने? आपने जो भी काम किया है पोल्ट्री में पिछले 10 साल में क्या चेंज लाने की कोशिश की है? अगर की है तो वो किस डायरेक्शन में वो चेंज लाने की कोशिश की है? फाइनेंशियल आउटकम बढ़ाने की कोशिश की है या इंप्रूव करने की कोशिश की है, परफॉर्मेंस बढ़ाने की कोशिश की है, या कस्टमर सेंट्रिक कुछ काम किया? जैसे उधर साहब ने बताया कि हमने डायरेक्ट इंटरफेस बढ़ाया है, इसमें से कोई भी काम आपने किया है एज अ फार्मर? अगर नहीं किया है तो जोर से हाथ उठाइए। आपने अच्छा काम किया कि नहीं किया? सबने किया है, बहुत बुरा काम किया, क्योंकि आपने फ्यूचर की तैयारी नहीं की है। फ्यूचर क्या है इस पोल्ट्री का, ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है, ना सिर्फ ऊपर वाला ही बता सकता है। मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप में से किसी को मालूम है तो ये लेक्चर सुनने की जरूरत ही नहीं। प्रोबेबली अगर आप किसी ऑपरेशंस को चलाने की कोशिश करते हैं, चाहे कितना भी छोटा ऑपरेशन 5000 बर्ड का ही क्यों ना हो, 10000 बर्ड का क्यों ना हो, बड़े से बड़ा इंटीग्रेटर क्यों ना हो जो 1 करोड़ बर्ड वीकली बेस करता हो, 2 करोड़ बर्ड वीकली, उसका फ्यूचर प्लानिंग इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आर यू प्रिपेयर टू मीट लास्टली द कंज्यूमर डिमांड? आप ये ध्यान में रख के चलिए आज के बाद। परसों में पोल्ट्री फेडरेशन के मीटिंग में कोयम्बतूर में था तो किसी ने बोला कि साहब हम पोल्ट्री इंडस्ट्री नहीं है, पोल्ट्री फार्मर है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पोल्ट्री फार्मर नहीं है, आप फूड प्रोड्यूसर हैं। तो अगर आपने आज तक अपने आप को पोल्ट्री फार्मर समझा है तो वो लाइन काट दीजिए और आप फूड प्रोडक्शन बिजनेस में हैं, वो ध्यान में रखिए। स्पेसिफिकली मैं उस कम्युनिटी को प्रमोट करना चाहता हूं, स्पेसिफिकली जितनी वेटनरियन कम्युनिटी यहां पे बैठी है वो अपना हाथ जोर से उठाए। कितने वेटनरियंस हैं? कम से कम 40 वेटनरियन है इस क्राउड। सर ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है दोनों हाथ जोड़ के कि अगला कोई रेवोल्यूशन अगर इस कंट्री में आएगा रूरल इकोनॉमी या सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में, वेटनरियन का रोल सबसे बड़ा रहने वाला है। यू आर द रेवोल्यूशनरी पीपल इन इंडियन सोसाइटी इन फ्यूचर। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है कि आप अपने आसपास मतलब फार्मर्स को और बड़े फार्मर्स को कैसे सिखाते हैं, कैसे संभालते हैं और कैसे उनको फूड प्रोड्यूसर बनाते हैं। फार्म प्रोड्यूसर नहीं, फूड प्रोड्यूसर। मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की हालत क्या है, क्योंकि उन्होंने 60 साल में भी ये समझने में देर लगा दी कि वो कमोडिटी प्रोड्यूसर नहीं फूड प्रोड्यूसर हैं। अगर उन्होंने फूड प्रोड्यूसर मान लिया होता 70s में या 80s में 1980 में, प्रोबेबली हमारी एग्रीकल्चर की हालत ऐसी नहीं होती थी। सो व्हाई दीस क्वेश्चंस लेडीज एंड जेंटलमैन? These questions are primarily to provoke your mindset. Look, my business demands and lives on fundamental different challenges
than we are living today. Reality check, changing perspective. Producer, who's producer? Producer is the person that makes goods or provides services. So you are producer because you produce food and you provide good food to the mankind. That's your service. Who's consumer? Consumer is a person who runs, who buys your product over time. Eggs and chicken is no more a product, no more a commodity worldwide. Eggs or chicken, ab koi commodity world mein nahi mani jayegi. Eggs or chicken, a product, food product mana jayega, aaj ki date mein. Foodborne diseases ke baare mein aapne suna hoga, first scary situation hai, darne ki baat nahi hai. 37 million people वर्ल्ड में फूड बॉर्न डिजीजेस से मरते हैं. इसका मतलब अगर सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया में होगी और यही रेशियो प्रिवेल करता है तो आपके चैलेंजेस चार गुना बढ़ जाते हैं कि आप क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं. फूड इंटीग्रल पार्ट ऑफ फूड चेन जिसकी सेफ्टी और क्वालिटी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको मान लेना पड़ेगा. आप सिर्फ चिकन 1.5 किलो का करके और तौल के ट्रक में लाद के भेज देने से अपने फार्म से आपकी जिम्मेदारी खत्म होने वाली नहीं है. सेफ फूड की जरूरत है क्योंकि पूरा वर्ल्ड चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है वन हेल्थ. अगर मैनकाइंड को बचाना है तो एनिमल फूड सिस्टम जो पार्ट फूड चेन का है उसका भी हेल्थ उतनी ही हेल्दी होनी चाहिए जितनी आदमी की हेल्थ हेल्दी प्रिडिक्ट की गई है. सो दिस इज वन हेल्थ सोल्यूशन. फूड should not only be safe, also nutritious. Means quality होना चाहिए food. वो वक्त दूर नहीं है. अगर मेरा ऐसा अपना production है 2022 में world में अगर कोई animal protein number one होगा तो वो chicken होगा. इसका मतलब है आपका चैलेंज और बढ़ता है कि आपका जो प्रोडक्ट फूड है जो चिकन एज अ फूड है उसका न्यूट्रिशन भी आपको मालूम होना चाहिए कि उस किस क्वालिटी क्या न्यूट्रिशन लेके प्रोड्यूस होके जा रहा है आपके फार्म से. ये सारे चैलेंजेस आपको फेस करने हैं. Why are you setting my battery down? Where are you? New age consumers. अगर मैं individual हूँ, अकेले रहता हूँ, मेरा food safe है. अगर मैं housewife हूँ, मेरी family का food safe है कि नहीं safe है? Chicken अच्छी तरह grow किया गया कि नहीं grow किया गया है? वेस्ट, दोपहर से शाम ने पूरा टाइम निकाला कि वेस्ट फ्रॉम पोल्यूशन एनवायरमेंट कैसे हैंडल कर रहे हैं आप. और ये चिकन में कोई ग्रोथ प्रमोशन तो नहीं है. ये सारे सवाल अगर इंडिविजुअल रहता है फैमिली न्यूक्लियस फैमिली वाला है तो भी पूछने वाला है और अगर हाउस वाइफ डिसीजन लेने वाली है वो भी पूछने वाली है. ये सारे सवाल आपको फेस करने हैं. फूड प्रोडक्शन ये तो आपको जरूर मालूम होना चाहिए बट ये मैं उद्धव साहब के प्रेजेंटेशन से ले जाना चाहूंगा आपको. उन्होंने नासिक के बारे में सब कुछ बताया है.
50 इयर्स का डेटा देख लीजिए, पोल्ट्री और चिकन 270% ग्रो कर चुका है ग्लोब में, पूरे विश्व में चिकन का ग्रोथ पिछले 50 सालों में 270% ऊपर है। एक का प्रोडक्शन 308% के ऊपर है। बाकी मीट जो रेड मीट, बीफ, पोर्क, अदर मीट सोर्सेस है, उनका 230% है, 237% का सर है। मिल्क डिस्पाइट हर घर की मानी की शुरुआत मिल्क से होती है, लेकिन 50 साल में ग्रोथ 98% ही है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि अगर आप सबसे बड़े फूड सप्लायर बनने वाले हो विश्व के, सबसे बड़े फूड प्रोड्यूसर बनने वाले हो अपने देश के, तो आपको सेफ फूड बनाना बहुत ही जरूरी है। And what we eat, what they eat, मतलब एनिमल क्या खाता है वही हम खाते हैं। अगर तुम्हारे बैठे जाओ पोटेंशियल एंट्री पॉइंट दिस डिस्टर्बेंस, अगर ये तीन सोर्सेस हैं फूड चेन के, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, एग्स, मीट, फिश एंड मिल्क, फार्म एनिमल्स, प्लांट्स, ग्रेन एंड ग्रास, इनको आप जो खिलाएंगे वही आप खाएंगे। सो द चेन इज वेरी एस्टैब्लिश्ड, व्हाट दे ईट वी ईट, इसलिए सेफ्टी जरूरी है और इसलिए ह्यूमन हेल्थ एक बहुत बड़ा टैबू बनके वर्ल्ड वाइड प्रोपोगंडा बनने जा रहा है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा कि आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन कितना अच्छा है। हजार्ड्स क्या हो सकते हैं, केमिकल्स, फिजिकल, मैं कहानी बताना चाह रहा था कि मैं एफएसएसआई की मीटिंग में गया था, वो कहानी लंबी नहीं जितनी हरीश ने बताई थी, तो आप लोग चिंता मत करिएगा। सर शायद आपको मालूम नहीं होगा कि 1 जनवरी से एफएसएसआई रेगुलेट करेगी आपके फीड प्रोडक्शन को, और वो फीड प्रोडक्शन केमिकल हैजार्ड्स, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स और क्रॉस कंटामिनेशन हैजार्ड्स से दूर होना है। अनफॉर्चुनेटली यहां पे मैं थोड़ा सा राणा साहब वगैरह परमिशन हो तो मैं इंडस्ट्री की बात करना चाहता हूं। हमारी जो इंडस्ट्री है वो इतनी फ्रजाइल, वीक और अनयूनाइटेड है कि इनको अपना बात रखने का तरीका आता ही नहीं, ये अपनी बात किसी फोरम पे सही तरीके से नहीं रख सकते। तो मैं हर फार्मर से गुजारिश करता हूं, हर वेटनरियन से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि साहब साल में 1 लेटर अपने गवर्नमेंट को लिख दिया करिए कि हमारे मैनकाइंड को या हमारे देश को किस चीज की जरूरत है और क्या सही है क्या गलत है। आप कितने भी छोटे फार्मर हैं किसी भी लैंग्वेज में बोलते हैं, किसी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, प्लीज अपनी बात सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की कोशिश करिए। अदरवाइज जो रूल्स एंड रेगुलेशन इस कंट्री में बनने वाले हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स डिमांड करते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं, वो रूल्स अपने इंडस्ट्री के फेवर में तो नहीं लिखते। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं नहीं तो मैं ये रिक्वेस्ट कराऊंगा, प्लीज सारे एसोसिएशन, चाहे 2000 एसोसिएशन है, कोई तो एफर्ट करे कि इनको यूनाइट करके
सबके ओपिनियन लेके फिर आप वर्क करें। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक एसोसिएशन ने लिख के दिया है, जो फीड एसोसिएशन है, कि हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे और सारे क्रॉस कंटैमिनेंट्स की गारंटी लेते हैं। हर कोई फार्मर ये जानता है कि हम 5 से 7% तक मार्बल पाउडर यूज करते हैं फीड में, यूज करते हैं नहीं यूज करते हैं, हाँ बताइए, कौन आदमी गारंटी ले सकता कि आपका मार्बल पाउडर में लेड आर्सेनिक्स और फलाना फलाना क्रॉस कंटामिनेशन नहीं है, कोई क्वालिटी कंट्रोल है? कैसे प्रॉमिस कर सकते हो आप लोग? किसका फीड पास होने वाला है उनके सैंपलिंग प्रोसेस से? हमको दुख इस बात का है कि इतनी 2000 एसोसिएशन होने के बाद भी अपनी बात सही तरीके से नहीं रह सकते। अमेरिका जैसी कंट्री, यूरोप जैसा कॉन्टिनेंट, इन्होंने फूड सेफ्टी लागू करने में 25 साल से 30 साल टाइम लिया था, हम एक दिन में करना चाहते हैं। प्लीज वेक अप फार्मर्स, प्लीज वेक अप, आई वॉन्ट टू सी योर लेटर्स टू योर रिस्पेक्टिव एसोसिएशन। हम आपसे हर साल 6 महीने में एक लेटर चाहिए, हमको अपने एसोसिएशन को लिख के दो कि ये सही नहीं है, अदरवाइज आपकी दुकान सबसे पहले बंद होने वाली। अगर ये सही है, मेजर कंसर्न डिजीज, मैन मटेरियल मूवमेंट, नो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर फार्म इंजीनियर एंड पर्सनल, यूज ऑफ एंटीबायोटिक, एवियन फ्लू, क्वालिटी फीड इनपुट्स, वाटर, लैंड फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड, ऑल दिस इज चैलेंज इन आवर कंट्री। डू यू हैव आंसर फॉर वन क्वेश्चन हियर? डू हैव कंट्रोल ऑन वाटर क्वालिटी व्हाट यू गिव टू योर चिकन? आपके पास है ऐसा वाटर क्वालिटी, आप चिकन को टेस्ट करके देते खिलाते? प्लीज वेकअप हो जाइए जिस बिजनेस में है। मैंने इतनी ठंडी एसोसिएशन अपनी लाइफ में कभी देखी नहीं। और सर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, एक ऐसा एसोसिएशन तैयार करिए जिसमें सबका ओपिनियन होना चाहिए और यूनिटी होनी चाहिए। कोई आदमी दूसरा बात करता है, तीसरा आदमी की चौथी बात करता है, चौथी एसोसिएशन पांचवी बात करती, कोई तो इनकम टैक्स की भी बात करता है। इनकम है कि नहीं जो टैक्स पड़ेगा? पिछले 4 महीने से तो कंगाल होके बैठे हो। देयर इज अ क्लियर नीड टू मॉडर्नाइज, ये बहुत जरूरी है। अगर इतने चैलेंजेस हैं अपने पास, ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी इंडस्ट्री को या अपनी फार्मिंग को मॉडर्नाइज करने की कोशिश करें, जो कि प्रोटीन इंडस्ट्री है। पता नहीं आप पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो, बट ये सारे चैलेंजेस हैं। और ये चैलेंजेस जो हैं, ये सब चेंजेस लाने वाले हैं आपके साथ। ये आपके सामने सारे चेंजेस होंगे और बेरिक फोरकास्ट के हिसाब से 2022 के पहले ही हो जाएंगे। तो अपनी कमर कस लीजिए। Let's see what happens. अब जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैंने डरा तो दिया लेकिन डरने की बात नहीं है, सोल्यूशन हर प्रॉब्लम का है, निकालना पड़ेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की है वो आप ध्यान से समझिए, और अगर नहीं समझ में आता तो पूछिएगा जरूर मेरे से, चाहे अकेले में चाहे प्लेटफॉर्म पे। एक, ये ग्लोबल प्रोटीन मार्केट का ग्रोथ है 2025 तक का प्रोबेबिलिटी, जिसका ग्रोथ है 45%। ये भूलिएगा मत, आगे चल के इसको आगे वाली स्लाइड में आपको लिंक करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि लोग बहुत कोई तरीके से बैठे हैं,
और उसमें से सबसे ज्यादा ग्रोथ 45% में पोल्ट्री में है, CAGR 2.4%, बाकी सारी बीफ पोर्क सब डाउन है। इसका मतलब क्लियर कट इंडिकेशन है कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पोल्ट्री 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 एंड पोल्ट्री, इसलिए आप राइट डायरेक्शन में हाथ जोड़िए और जोर से बजाइए अपने लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने तो बोला था 45%, लेकिन इंडिया का ग्रोथ 57% के ऊपर है। 2025 में इंडिया इज लिस्टेड एबव 57% ग्रोथ यहां पर, और एशिया को अगर साथ में लेते हैं तो 60% ग्रोथ पोल्ट्री का इस रीजन से आने वाला है 2025। इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रोग्रेस आपको है, सबसे ज्यादा चैलेंजेस भी आपको, सबसे बड़े फूड प्रोवाइडर भी आप ही होंगे। अब ये और भी डेंजरस स्लाइड है, इसको दो तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। एक, आपके पास चार मेजर प्रॉब्लम आएंगे जो आप लिख लीजिए अपनी डायरी में, वो है वाटर, लैंड, लॉजिस्टिक का नामो निशान नहीं है। किसी भी कंपनी में है, चाहे वो रिलायंस पोल्ट्री का हो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, चाहे पोल्ट्री का रिलायंस हो, चाहे पोल्ट्री का छोटे से छोटा फार्मर हो, किसी ने अपने प्रोडक्ट को मोबिलाइज करने के लॉजिस्टिक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। किसी ने अगर किया है तो बताइए। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मूविंग चिकन और बेड प्रोडक्ट इज स्लोएस्ट इन दिस कंट्री, वो देखने की जरूरत है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने जानबूझ के पहले स्लाइड में नहीं डाली थी कि सर आप जिस बिजनेस में हो उस बिजनेस में R&D की भी जरूरत होगी। .02% ऑफ टोटल रेवेन्यू, ये मेरा डेटा बहुत पुराना है, 2017 का है, वो और भी कम हो गया हो। हमारा R&D एक्सपेंडिचर पोल्ट्री प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए 0.02% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, मतलब अगर 1,00,000 करोड़ की इंडस्ट्री है तो 0.02% मतलब कितना होता है, 200 करोड़ या 2 करोड़, 2 करोड़ का R&D एक्सपेंडिचर है। अगर 2 करोड़ का R&D एक्सपेंडिचर है उस इंडस्ट्री को संभालना आसान नहीं होगा। ग्रोथ तो है, पोटेंशियल तो है, बट आपके हैंडीकैप्स भी बड़े हैं, आपकी लैंड होल्डिंग लो है, आपकी वाटर अवेलेबिलिटी प्रोबेबली लोएस्ट है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नॉन एग्जिस्टेंट लॉजिस्टिक। आउट ऑफ इंडिया स्कोर, बट इसके बावजूद भी इंडिया का CAGR 4.5% है जो मैं भी नहीं पढ़ पा रहा। इसका मतलब आपका ग्रोथ बहुत ही रोबस्ट और गारंटीड है, सिर्फ अपने को सख्त तरीके से प्लानिंग करने की जरूरत है, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से प्लानिंग करने की जरूरत है। इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉन्टिनेंट इन एशिया इन पोल्ट्री, इंडिया, ईरान, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया, ये चार कॉन्टिनेंट्स हैं जिन पे एशिया का टोटल फूड प्रोडक्शन डिपेंड करेगा एनिमल प्रोटीन बिकॉज ऑफ योर ओन रिक्वायरमेंट। बट डेंजर क्या है कि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है,
ना लैंड है, ना लेबर है, लॉजिस्टिक है, वाटर नहीं है, तो ये जो चिकन की रिक्वायरमेंट आएगी उसकी भरपाई कौन कर पाएगा? ये सबसे बड़ा डैंजर। तो ये बात मैं बता तो दिया, आपने ताली बजा भी दिया उस बात पे कि हमारा ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके कंस्ट्रेंट्स इतने स्ट्रांग, कंस्ट्रेंट्स मतलब बाधाएं इतनी स्ट्रांग हैं, तो इंपोर्ट होने के चांसेस भी उतने ही स्ट्रांग हैं, कोई माने या ना माने। कोई न कोई बहाना डाल के दूसरी कंट्री अपने यहां कुछ ना कुछ प्रोडक्ट डाल सकता है, उसके लिए भी आपको तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि अब के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, अब के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको चिकन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, जीरो। उद्धव साहब ने कोई मीटिंग अटेंड कर ली थी, उद्धव दादा ने सीआईआई की, उन्होंने बोला कि साहब देश शांति को आर सी ई की मैं टाइम तो नहीं दे रहा हूँ, देख लीजिए बाद में घंटी मत बजाइएगा। आर ई सी पी प्रोग्राम, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत उन्होंने बोला कि चाइना, जापान और इंडोनेशिया को इंपोर्ट अलाउंस दे दो, और अगर चाइना को इंपोर्ट अलाउंस बन गया तो वो किसी भी प्राइस में अपने डंपिंग कर सकते हैं। इसलिए फार्मर्स साथियों, रोज एक लेटर सारी गवर्नमेंट के ऊपर लिखना, और अगर आप चुप बैठ गए तो आपको मालूम है मैं शोमैन हूं, मतलब अपना जो लीडर है वो शोमैन है, आप मर गए तो उसको फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आई, आ गई कि नहीं आई? तीन रिस्क, अपना डेवलपमेंट कैसे करना है, रिस्क इंपोर्ट को प्रिवेंट कैसे करना, मतलब अपने यहां कंट्री में कोई चिकन अंडा नहीं आने देना है किसी भी हालत में, तीसरी अपनी इफिशियंसी तेजी से बढ़ानी, ये तीन चीज ध्यान देने की सख्त जरूरत है। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द वेटरनरी कम्युनिटी, प्लीज रिमेन अलर्ट, keep communicating with your association and your organization, ensure that right information goes to right places, otherwise you guys are fit for nothing. आज तक हमने एक भी वेटरनरियन का वॉलंटरी लेटर मिनिस्ट्री में देखा नहीं है। आप लोग लिखना सीखो, आपके पास लाइसेंस है, आप जब प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हो तो गवर्नमेंट को लेटर पर लिख सकते हैं, लिखिए, वहां पे 10 लेटर रहेगा, हमारे हाथ मजबूत रहेंगे कि हमारा फार्मर ये चाहता है, हमारा साइंटिफिक कम्युनिटी ये चाहता है, हमारी प्रॉब्लम्स ये हैं, तब हम देखेंगे चिकन कैसे इंपोर्ट होता है। दादा साहब ये सब आपकी जिम्मेदारी है, उद्धव साहब सर आज की डेट में अपनी हालत इतनी बदतर है वर्ल्ड रैंकिंग में, आउट ऑफ 100 स्कोर हमारा 77 स्कोर है फूड सिक्योरिटी, फूड रैंकिंग, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी, ये चार डिनोमिनेटर जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना चाहिए, बगैर इसके आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स इंपोर्ट होने वाला नहीं है। एक दूसरा, मेरा ऐसा अपना मानना है, अनिल जी आपने पानी रखा, अनिल ने बोला था मुझे एक बार, टाइम का फ्रीडम है ना, अनिल ने बोला था मुझे एक बार कि अगर सब कुछ चुप कराना है तो तीन चीज बोलो। अनिल मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मैं 30-40 साल से उनको जानता हूं। एक, वो लोग अपना फोन बंद कर दे जिनकी शादी 20 साल के पहले हो चुकी, उनको फोन आने की कोई जरूरत ही नहीं। दूसरे लोग फोन साइलेंट पे कर दें जिनकी शादी 5 साल के आसपास में हुई है, तो चांसेस कि आपकी वाइफ अभी भी आपको याद करती होंगी। और उन्होंने ये बोला था
कि आप टेक्स्ट मैसेज अलाउ कर देना जिनका अफेयर चल रहा हो। बाई चांस किसी का अफेयर चल रहा तो आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते, और अदरवाइज आप फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। अगर टेक्स्ट मैसेज की आवाज आई बगैर समझे बूझे हुए तो हम समझेंगे कि आप चोरी से अफेयर कर रहे हैं। तो हमारी बात है, ये अनिल का बात है, मेरा बात नहीं। तो साहब हम वीवे टॉकिंग अबाउट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ये लुकिंग अगली, ये वेरी अगली, इसको इम्प्रूव करना है। उसको इम्प्रूव करने के चार जो फंडामेंटल्स हैं उसमें सुधार लाने की सख्त ग्रोथ ड्राइवर्स सर। अब हमेशा नेगेटिव बात करके फायदे भी इसमें लग वो नहीं है क्या पॉइंटर्स? एक्सपैंडिंग मिडिल क्लास, अच्छी बात है भाई साहब, आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है? पीछे वालों बालकनी में जो बैठे हैं जी, एक्सपैंडिंग मिडिल क्लास सबसे अच्छी बात है। अपना मिडिल क्लास एक्सपैंड कर रहा है वो आपको ग्रोथ देगा कंजम्पशन में, पर कैपिटा कंजम्पशन एंड इनकम बोथ इज इंप्रूविंग, वो दिख रहा है। एजुकेशन अवेयरनेस इज इंप्रूविंग, वो दिख रहा है। आप अपने अगल बगल पड़ोस में देख भी जाके, दूसरी बीवी देखने की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि उनकी स्पेंडिंग पावर देखिए जी। और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी तक हमने जितनी भी बातें की हैं वो फूड सिक्योरिटी की, तो मैं एक चीज बताना भूल गया। एक अपनी सबसे बुरी आदत है, इंडस्ट्री वाले बुरा ना माने और साहब स्पेसिफिकली आप बुरा ना माने, कि हम थर्ड नंबर के चिकन प्रोड्यूसर हैं, फोर्थ नंबर के एग प्रोड्यूसर हैं। अब वो डिनोमिनेशन माने नहीं रखता क्योंकि आपकी पॉपुलेशन 1.45 बिलियन हो चुकी है। तो प्लीज गार्ड से इस इंडस्ट्री लीडर्स को समझाओ कि वो डिनोमिनेशन जो आप दूर दूर देशों में जाके बात करके प्रेजेंटेशन देते हो, हमारी कंट्री थर्ड नंबर की चिकन प्रोड्यूसर है, सो व्हाट, आपका कंजम्पशन तो कुछ भी नहीं है, 3 किलो है। हमारा एक प्रोडक्शन थर्ड नंबर पे है, चिकन प्रोडक्शन फोर्थ नंबर पे, वो डिनोमिनेशन कोई माने नहीं रखता आज की दुनिया में। हमको ये बताइए अगले 5 साल के अंदर कि आपका चिकन पर कैपिटा कंजम्पशन क्या होने वाला है। और अगर नासिक, पूना, जलगांव और बॉम्बे एक रीजन मान लिया जाए तो आप लोग मिलकर डिसाइड करिए आपस में बैठ के कि आपका पर कैपिटा कंजम्पशन अगले 5 साल में क्या होने वाला है। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है कितना एक प्रोड्यूस करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कैपिटा एक कंजम्पशन अगले 5 साल में कितना ले जाओगे वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपकी पॉकेट में वजन आएगा। ये डिनोमिनेशन बताना छोड़ दीजिए, अपने सारे इंडस्ट्री वाले यही प्रेजेंटेशन देते हैं, थर्ड प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, हाउ मच यू कंज्यूमिंग, यू आर प्रोबेबली वन ऑफ द लोएस्ट कंजम्पशन सेंटर इन द वर्ल्ड विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट इज टू बी लुक एट, यंग एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन टू बी टारगेटेड, उनके ऊपर टारगेट करो, उनको एजुकेट करो, उनके पास तक प्रोडक्ट पहुंचाने की कोशिश करो किसी तरीके से, चाहे वो रिटेल हो चाहे वो सेमी रिटेल हो, दे विल ड्राइव द कंजम्पशन, क्योंकि उन्हीं के पास जिगर है पैसा खर्च करने का। अगर ओबीसी को बोलोगे 500 रुपए किलो जाके चिकन वैल्यू वाले प्रोडक्ट चिकन खरीद के लाओ वो 10 बार पूछेंगे, अरे हम तो 125 रुपए किलो में प्रोडक्शन है हमारा, हम क्यों 500 खर्च करेंगे। बट जो एंड पॉपुलेशन है He has a power, thinking, consumption to spend 500 rupees per kg of chicken, which is value added and healthy product. वो आपको पैसा देंगे। तो हमको ये decide करके अगले 2 महीने में बताइए या 3 महीने बताइए, हम फिर से जब आप date fix करें conference करने के लिए तैयार हैं, पहले हमको ये बताइए कि बॉम्बे, नासिक,
उन्हें जलगांव ये जो पॉकेट है इस पॉकेट का पर कैपिटा कंजम्पशन 5 साल के अंदर क्या करने से बन रहा है। चेंजेस आपके सामने दिख रहे हैं, लोग गांव छोड़ के शहर में रहने आ रहे हैं, मतलब अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, अवेयरनेस प्रोसेस फूड और प्रोटीन कंजम्पशन का बढ़ रहा है, फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी दोनों बढ़ रहे हैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। चिकन प्रोबेबली इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट फूड है, मोस्ट लव, लोग बोलते हैं हमारा कंट्री वेजिटेरियन है, कहानी का वेजिटेरियन। अर्बन इंडिया में 27% लोग चिकन खाते हैं, 37% अंडे खाते हैं, 37 प्लस 27 ऐड कर लीजिए 64 हो गया, 64% अगर चिकन और अंडे से बच चुके हैं तो है का वेजिटेरियन है, किस बात की ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस, प्रमोट करो अपने प्रोडक्ट। फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इनकम ग्रुप है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सो कॉल्ड जीडीपी है, ताली बजाओ। इट्स मिथ, ये सच नहीं है कि इंडिया वेजिटेरियन कंट्री है, वो जमाना 5 साल 10 साल पहले था, अब आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना सीखिए। ये स्लाइड मैं छोड़ देता हूं क्योंकि घंटी वाले बजा रहे हैं, लेकिन यहां देखने की जरूरत है कि एनिमल प्रोटीन 1990 से लेके 2015 में 9 ग्राम से 12 ग्राम पहुंच गया, वेजिटेबल प्रोटीन डाइटरी एनर्जी फ्रॉम सीरियल 66 ग्राम से 29 ग्राम, तो 3 कम हुआ। तो आपका बिजनेस सही है भाई साहब, मुर्गी पालो, अंडा पैदा करो, सिर्फ बेचने का तरीका सीखने की जरूरत है। लैक ऑफ स्टोरेज आपको बता चुके हैं, क्वालिटी ऑफ फीड नाम है, फिर से इसके वापस आना चाहता हूं। एक सबसे बड़ा अपना डिस्ट्रक्शन है कि हम क्या प्रोडक्ट चूज करते हैं अपने फील्ड में यूज करने के लिए, वो नॉलेज गेन करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है एज ए फार्मर कि एक दिन का वर्कशॉप सिर्फ इसी को सिखाने के लिए लगने के कि कौन सा फीड सप्लीमेंट और फीड इंग्रेडिएंट हमारे लिए सेफ है, वो हमको सीख लेना चाहिए, वही आपको आगे ले जा सकता है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो हेल्दी सेफ अफोर्डेबल प्रोडक्ट आपसे डिमांड करता रहेगा आगे चल के। लैक ऑफ क्वालिटी फीड इनपुट्स, डिजीज मैनेजमेंट की मैं बात ही नहीं करना चाहता, अदरवाइज मेरे गुस्सा हो जाएगा क्योंकि उसने इतना सारा लेक्चर आ गया, ऐसा कोई डिजीज है जो आज तक इंडिया से इरेडिकेट हुआ क्या पिछले 30 साल में? मुझ मेरा सिर्फ वैक्सीन वालों से एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही रिक्वेस्ट है कि सर 4-5 फैसिलिटी क्रिएट कर लीजिए, पोस्ट वैक्सीनेशन टाइटल हमको दिलाते रहिए। एक दूसरा, जब कोई नया स्ट्रेन आपको मिले डिजीज का, उसके बारे में फार्मर को मालूम होना जरूरी है। पता चला वैक्सीनेशन हम किसी और स्ट्रेन के प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं और हमारे कंट्री में 4 और स्ट्रेन घूम रहे हैं, तो अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी तो हमारा डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम अधूरा रहेगा। तो मैं तो कहता हूं कि ये सवाल खुद ही डिजीज मैनेजमेंट कंपनी को ऑप्शनली ले लेना चाहिए, फार्मर्स को सोचना चाहिए, उनको चाहिए ये सर्विस। क्वालिटी स्टैंडर्ड फार्म मैनेजमेंट, हर फार्म मैनेजर को या हर फार्मर को अपना कितना भी सिंपल सिस्टम हो एसओपी बना के रखो, लिख के रखो, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 10 तक आपका चिकन निकल नहीं जाता, बट आपके पास
लिखी पढ़ी एसओपी होनी चाहिए। मुर्गी आई, पानी पिलाया, दाना डाला, बड़े हुए, बिक गए, आपने कहाँ लिखा है, कहाँ नोट किया, कौन सा डेटा है आपके पास? अगर मैं कंज्यूमर हूं आपका, आपसे पूछा मैं आपसे 1.5 किलो चिकन तो चाहिए, लेकिन मुझे ये बता दीजिए आपने ग्रोवर में क्या डाला था, है डेटा आपके पास? है तो चिल्लाइए जोर से, नहीं है तो लिखना सीखिए, बनाना सीखिए, क्योंकि कंज्यूमर ये डिमांड करेगा आपसे। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है प्रोसेस फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, इसका बढ़ावा देना चाहिए, बट लैंड, लेबर, लॉजिस्टिक, वाटर। अपने यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये है, डिजीज मैनेजमेंट कंपनीज, आप लोग ध्यान से देखिए, राइट टाइम पर चल रहा है। एनीवे, आई स्किप दिस स्लाइड, कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की फार्मिंग है, बैकयार्ड फार्मिंग है, स्मॉल फार्मिंग है, मिडिल लेवल की फार्मिंग है और बड़े लेवल की फार्मिंग है। मैं आप लोगों से सबसे ये सवाल, मैंने गवर्नमेंट में भी ये सवाल पूछा था कि साहब एग्रीकल्चर में जाते हैं तो सीमांत कृषक हैं, लघु कृषक, ऐसा कुछ है, लघु कृषक हैं और बड़े कृषक हैं और सबके लिए अलग अलग फैसिलिटी है गवर्नमेंट ने बना दी, पोल्ट्री में ऐसा क्यों नहीं? वही रूल उद्धव आयर के लिए है, वही रूल 5000 बर्ड के फार्मर के लिए भी है, वही सुविधाएं आपके लिए भी है, वही सुविधाएं उनके लिए, तो ऐसे आपकी खेती चलेगी कैसे? मैं तो कहता हूं कि इंडस्ट्री को डिमांड कर, मुझे क्लासिफाई कर दो, 2-3 कैटेगरी में, और हर कैटेगरी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, किसी को वर्किंग कैपिटल मैनेज करने आना है, किसी को डिजीज मैनेजमेंट करने आना है, किसी को एसओपी मैनेजमेंट करने आना है, किसी को स्मॉल फार्म से अपनी जीविका चलानी है, 4 बच्चे पालने हैं, तो हर लेवल के फार्मर की रिक्वायरमेंट अलग है। तो इंडस्ट्री का भी स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए, 50 साल पुरानी इंडस्ट्री हो चुके हैं, हमको भी कम से कम 2 या 3 कैटेगरी में अगर कर दें तो आसानी से हम रेगुलेशन के साथ प्ले कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन के साथ प्ले कर सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट अलग है। वहां पे लघु कृषक को 4.5% के लोन मिलते हैं, हमारे यहाँ फार्मर को 12% के धक्के मिलते हैं, बैंक वाले धक्का मारने निकाल देते हैं, जाओ तुम किसी काम के नहीं, ये कौन सा तरीका? इसीलिए फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, प्लीज लिखो, प्लीज गवर्नमेंट को अपनी बात पहुंचाओ, चाहे स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाओ, पहुंचाओ अपनी बात कि हमारी ये प्रॉब्लम है और जब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी तब तक हमारा आपका बढ़ावा नहीं हो सकता। एनिमल वेलफेयर, एनवायरमेंट एंड कम्युनिटी, प्रोडक्शन और हेल्थ, ये 4 बेसिक फंडामेंटल्स रहेंगे फ्यूचर में आपके पास। आप कोई ऐसा काम नहीं कर पाएंगे जो एनिमल वेलफेयर के खिलाफ हो, इसका मतलब आप में चेंजेस, आपके कंडीशंस में चेंजेस, आपके फार्मिंग में चेंजेस आना जरूरी है। एनवायरमेंट आपको गारंटी देना पड़ेगा कि हम कोई ऐसा काम नहीं करते, हम कोई ऐसा चीज बाय प्रोडक्ट नहीं निकालते जिसके होता है एनवायरमेंट डिस्टर्ब होता है। सीरीज में ऑलरेडी लिटर मैनेजमेंट पे बात की, ऑलरेडी वो एक फंडामेंटल होगा। प्रोडक्शन मेथड्स कितना अच्छा और कितना इफिशियंट और कितना अपडेटेड है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, और आपके एनिमल की हेल्थ कितनी अच्छी तरीके से मैनेज की जा रही है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ये 4 बेसिक फंडामेंटल्स पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो प्रोबेबली आपको बिजनेस करना डिफिकल्ट हो जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 6 महीने पहले मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि अपने यहाँ मिनरल मिक्सचर सब कुछ इंडिया में बनता है,
और उसमें से 16 सैंपल्स इंडियन प्रोड्यूस मिनरल मिक्सचर को टेस्ट किया गया। आप सरप्राइज होंगे 16 में से 12 मिनरल मिक्सचर में लेड आर्सेनिक कंटेंट 17 टाइम्स हायर थे सेफ्टी नॉर्म्स। तो ये चैलेंज है अपने को हैंडल करने का। सो देयर शुड बी गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर फ्यूचर। मैं ज्यादा बात कर देता हूँ, आप लोग बोर हो गए होंगे। ये चेंजेस आएंगे आपके साथ में, मॉडर्न मार्केट रिटेल सप्लाई चेन सब चेंज हो जाएगा 2022 तक। और अगर आपने ये चेंजेस को रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आप देखते रह जाएंगे और चिल्लाते रहेंगे, आपका सुनने वाला कोई नहीं होगा। बट मेरे हिसाब से कन्वीनियंस स्टोर्स, मिनी मार्केट, सुपर मार्केट, फूड चेन, ये सब दिखने वाले हैं 2022 तक आपके आसपास। अर्बन एंड वर्किंग पॉपुलेशन आपके कंजम्पशन को ड्राइव करेगा। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्लाइड्स हैं, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्किप करता हूँ, मेरी स्लाइड आपके लिए अवेलेबल रहेंगी, आप जब चाहें ले सकते हैं। सर मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा, स्लाइड बहुत हैं। तीन चार चीजें और हैं जो आपको याद दिलाने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन आपके फार्मिंग में ब्रह्मास्त्र होगी। तो अभी तक जितने प्रेजेंटेशन दिए गए हैं वो सारे रेलेवेंट हैं आपके लिए, चाहे वो इक्विपमेंटेशन का इशू हो, चाहे वो फार्मिंग ऑपरेशंस हो, चाहे वो हेचरी ऑपरेशंस हो, चाहे वो प्रोसेसिंग ऑपरेशन हो, चाहे वो मूवमेंट ऑफ स्टॉक्स चिकन सेलिंग ऑपरेशन हो, इस सब में टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन ही आपको बचा सकता है। एक दो, आपको फाइनेंस मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर किसी को कैश फ्लो नहीं मालूम है अपने फार्म की, वो फार्मर डिफिकल्टी फेस करेगा फ्यूचर में। तीन, आपका प्रोडक्ट सेफ, हेल्दी, अफोर्डेबल होना चाहिए। फोर, आपके जितने फाइनेंशियल टूल्स हैं वो वेल गियर्ड और मसाज होने चाहिए, जो प्रॉपरली काम करते हों। और आपके पांचवा, सबसे बड़े चैलेंजिंग कंट्रीज आपके लिए हैं ब्राजील, थाईलैंड और लैटिन अमेरिका। ये आपको चैलेंज करेंगे आपके यहाँ चिकन सप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके डिनोमिनेटर जैसे हमने बोला चेंज होंगे, वो डिनोमिनेटर फाइनेंशियल अलग होंगे, हेल्थ डिनोमिनेटर अलग होंगे, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होंगी, और क्वालिटी मैनेजमेंट अलग होगा, और वर्टिकल्स अलग होंगे। ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छी तरीके से अपना बिजनेस कंडक्ट कर पाएंगे। नंबर वन एनवायरमेंट, नंबर टू इकोनॉमिक वायबिलिटी, नंबर थ्री सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये तीनों चीज आप बैलेंस करना नहीं जानते हैं तो आप प्रोबेबली डिफिकल्टी फेस करेंगे, और ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सारे स्टेक होल्डर्स की, सिर्फ फार्मर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंडस्ट्री इकट्ठा होना और एक वॉइस में अपने पॉइंट्स रखना, सही जगह पे सही तरीके से ही इस इंडस्ट्री को प्रोग्रेस दिला जा सकता है। थैंक यू सो मच। Lunch time, I think everybody was seriously listening to you.
because of the importance and the content of the presentation. The two things I would like to add in this was the responsibility every farmer has to understand. Number two, in this eye-opening presentation you have said that the importance of the record keeping. Yes, that is really neglected in many places. And third and most importantly, the role of the associations, they should not go with a different views, but one view together. Now I will request Mr. Rana to really present our